नमस्कार, जय माता की। मैं श्रवण राजपूत, माँ दुर्गा रेकी एंड लामा फेरा हेली सेंटर चंडीगढ़ में आप सभी का फिर से स्वागत करता हूँ। मैं आज वीडियो बनाने जा रहा हूँ किसी टॉपिक पे लेके, कोई भी हीलिंग पर्पज के लिए। एक दो दिन में मैं शुरू करूँगा जो योग माया के सिंबल्स, जो सांकेतिक सिंबल बोलते हैं हम उसे, 75 एक एक सिंबल कैसे कैसे किस किस बीमारी के लिए उसको यूज करते हैं। वैसे मैंने बता दिया शायद पिछली वाली वीडियो में, तो आगे फिर उसको सही तरीके से आपको बताएंगे। एक मैं सिंपल तरीका बताने जा रहा हूँ। देखिए, कईयों को एक फोबिया होता है जब लामा फेरा हीलिंग करवाते हैं या सीखते हैं या कोई कोर्स करते हैं, चाहे उसमें टैरो कार्ड कोर्स हो या एंजल कोर्स हो, कोई भी हो। कईयों को एक फोबिया, या वो लगा लो हमारे धार्मिक ग्रंथों के हिसाब से लगा लो, हिंदू धर्म में जो है या और धर्म के हिसाब से लगा लो, कि फीमेल में जो मंथली आती है, मैं जिसको मैसेज बोलते हैं, उसकी वजह से कहीं ना कहीं उनको डाउट हो जाता है कि क्या मैं हीलिंग लूँ सर, क्या मैं ये कोर्स कर सकती हूँ, क्या मैं टैरो ओपन कर सकती हूँ, क्या मैं एंजल रीडिंग कर सकती हूँ। तो ये डाउट रखने की जरूरत नहीं है, आप बीमार नहीं हो, आप अशुद्ध नहीं हो, आप शुद्ध हो। शुद्ध अशुद्ध होता क्या है हमारी आज तक नहीं समझ में आया। आप अंदर से शुद्ध हो ना, आप जो भी डिवाइन वर्क कर रहे हो आप आत्मा से कर रहे हो, इनसाइड की जो आपकी ओरा है, आपके आउटर ओरा है, आपके चक्रा के हिसाब से आप कर रहे हो, वो एक रूटीन है। यूनिवर्सल रूटीन ही एक प्रकार से हो, तो उसमें आप अशुद्ध नहीं हो गए कि आप ये नहीं कर सकते जी, हम ये नहीं करेंगे, हम मंदिर नहीं जाएंगे। वो क्राइटेरिया बना रखा है कि या मंदिर नहीं जाना है, पूजा नहीं करनी है, दियन लगाना है, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, किसने बताया भाई? हम तो इन चीजों को नहीं मानते कि बच्चा हो गया जी, लड़का हो गया, क्या करना है? पितरों पे नहीं जाना है, वहां पे दियन लगाना, सुतक लगाओ है भाई। हम लोग क्या है कि खुशी मना रहे हैं, ढोल बजा रहे हैं, लड्डू खा रहे हैं, नाच गाना कर रहे हैं, पार्टियां कर रहे हैं, भाई अच्छा होगा घर में, खुशखबरी का माहौल है। जो आपके देवता भूखे बैठे हैं उनके लिए सुतक है, किसने बनाया ये गेम? मेरे समझ में नहीं आया। अरे एंजॉय करो लाइफ को, ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है कि आपने उस दौरान आपने हीलिंग नहीं करनी है, आपने लामा फिरा हीलिंग नहीं लेनी है, आपने रेकी हीलिंग नहीं लेनी है, या आपने टैरो निकालने, आपने एंजल निकालने, आप कुछ भी कर सकते हो। क्या खाना खाना छोड़ देते हैं हम लोग? पानी पीना छोड़ देते हैं क्या? उनके हाथ की रोटी नहीं खाते घर में बनी हुई? कुछ नहीं है, आप स्ट्रोंग हो, आपसे बहुत कुछ, आपसे दुनिया है, हम लोग भी आप लोगों से ही हैं। ऐसा नहीं है कि ये जो बैठे हैं बने हुए बड़े बड़े आदमी सारे, सभी आप लोगों से ही हैं। तो इसमें कुछ हमसे पूछने जुटने सेंटर में फोन करके, सर ऐसा हुआ था ऐसा कर लूँ, आप कुछ भी कर सकते हो उस दौरान पे, आपकी वही पावर रहेगी, वही स्पिरिचुअली रहेगी, वही आपकी एनर्जी काम करेगी, वही आपकी हीलिंग काम करेगी। क्योंकि आप जब किसी को हील करते हो लामा फेरा में या रेकी में, तो जब आप करते हो ना सिंबल काम करते हैं, जो आप सिंबल लगाते हो ना सिंबल वर्क करते हैं। आप तो आपने तो एक बार परे जो भगवान बुद्धा हैं या आपके इष्ट देव जिस रूप में आपने माना है, माँ शक्ति माँ दुर्गा या भगवान शिव नानक जी साईं जी, और भी हैं जो क्रिश्चियन हैं वो उनको मानते हैं, मुस्लिम है किसी और चीज़ को मानते हैं, तो सभी सीखते हैं ये चीजें। कोई ये किसी धर्म से नहीं है कि एक धर्म वाला सीखेगा तो उसका धर्म खराब हो जाएगा। तो आपने तो प्रे करके वो सिंबल जो है उनके द्वारा आपने परमिशन दी कि आप खुद कीजिए सिंबल क्रिएट, जिसकी आप हीलिंग कर रहे हो। तो सिंबल तो क्रिएट कर रहे हैं, सिंबल की एनर्जी ही आप हीलिंग में दे रहे हो नेक्स्ट पर्सन को या अपने ऊपर ले रहे हो। तो आपने किया क्या? आप तो प्रैक्टिकल कर रहे हो खाली। तो किस कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप हीलिंग भी कर सकते हैं, आप उसको सीख भी सकते हैं, आप टैरो भी ओपन कर सकते हैं, टैरो सफल भी कर सकते हैं, एंजल भी सीख सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। मेरे को गर्मी लग रही है यहाँ पे, तो कोई भी क्वेश्चन हो बेझिझक पूछ सकते हैं, और आजकल पूछते भी हैं, पहले हम लोग भी नहीं बताते ज़्यादा, अब जब हमसे पूछते क्वेश्चन तो हम आंसर दे देते हैं एज ए स्पिरिचुअल वर्कर लगा लो,
एज ए डॉक्टर, अल्टरनेटिव मेडिसिन डॉक्टर लगा लो, हम आपको बता देते हैं कि ये ठीक है ये ठीक नहीं है। लावा फेरा बहुत अच्छा होता है और अच्छे पर्पज के लिए इसको यूज करते हैं। सेकेंडली, आप पॉजिटिव वे में जाके इस चीज़ को कीजिए तो रिजल्ट आपको 100% से भी ज़्यादा मिलेंगे। तो किसी चीज़ के लिए हिचकने की जरूरत नहीं है, एजिटेशन लेने की जरूरत नहीं है। तो आप हर एक चीज़ करने में सक्षम हो, प्रत्येक सिचुएशन में दिल खोल के अपना वर्क कीजिए, हीलिंग वर्क कीजिए, पूजा पाठ कीजिए, सब कुछ कीजिए। और कोई भी उससे हीलिंग पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा, आपकी स्पिरिचुअलिटी पे, आपकी परे पे, आपकी पूजा पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक नमस्कार, अपना ख्याल रखिए, जय माता की, नमस्कार।